अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बेसिकली एक तो कंप्यूटर की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और सेकंडली हम कंप्यूटर की टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल डेट कौन कौन सी डेवलपमेंट हो चुकी हैं। अब इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं मैं वो डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ें बेहतर समझ आ जाएँ। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री शुरू होती है एक मैकेनिकल डिवाइस से जिसको हम कहते हैं अबैकस। कंप्यूटर का वर्ड बना कंप्यूट से यानी कैलकुलेट से, तो इंसान ने कंप्यूटर को फाइंड आउट या इन्वेंट करना इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि उसे कैलकुलेशन के लिए कोई डिवाइस चाहिए थी। तो सबसे पहले जो मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस थी वो अबाकस थी। इसको मैनुअली ऑपरेट करते थे और ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था। ये चाइनीज से इसकी हिस्ट्री। उसके बाद 1614 में जॉन नेपियर ने एक डिवाइस बनाई जिसे उसने नेपियर्स बोन्स का। ये डिवाइस मल्टीप्लाई डिवाइड करती थी, स्केयर कैलकुलेट करती थी, क्यूब रूट्स कैलकुलेट करती थी। फिर 1622 में स्लाइड रूल के नाम से एक डिवाइस बनी। बेसिकली ये जॉन नेपियर के आइडिया पे बेस करती थी और ये लॉगरिदम कैलकुलेट करती थी। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, स्केयर रूट, क्यूब रूट और लॉगरिथम्स बेसिकली कैलकुलेट करते थे, लेकिन ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं थी, यानी ये मोर टुवर्ड्स साइंटिफिक कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन कैलकुलेटर बनाया। अब ये पास्कलाइन कैलकुलेटर जो था ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही करता था, लेकिन ये एक्सपेंसिव था क्योंकि ये कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहा था और ये कुछ हद तक मैकेनिकल था। 1672 में लेबनीज ने स्टेप्ड रेकनर के नाम से एक डिवाइस बनाई और ये डिवाइस ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती थी। फिर 1881 में जैकवर्ड लूम का कंसेप्ट आया। जैकवर्ड लूम ऑटोमेटेड लूम थी जिनको पंच कार्ड से कंट्रोल करते थे। अब पंच कार्ड का क्या कंसेप्ट है? फ्यूचर में पंच कार्ड जो थे वो एज एन इनपुट डिवाइस यूज़ होंगे कंप्यूटर्स में। यानी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अगर हम 1881 से ऑनवर्ड्स जाएं तो एक टाइम ऐसा आया जब कंप्यूटर के लिए पंच कार्ड ने इनपुट का काम किया। आज हम कीबोर्ड एंड माउस से इनपुट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा भी आया था जब इनपुट एंड आउटपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ होते थे। नेक्स्ट हमारे पास 1820 में थॉमस डी कॉलमर ने एरिथ्रोमीटर बनाया। ये भी एक रिलायबल एंड यूजफुल कमर्शियल कैलकुलेटिंग मशीन थी। बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देन हमारे पास डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन्स है। 1822 में डिफरेंस इंजन बना एंड 1834 में एनालिटिकल इंजन बना। तो ये सारे ऑटोमेटेड भी थे और मैकेनिकल थे। इनको बनाया था चार्ल्स बैबेज ने। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर अगस्ता अदा बायरों, इसने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखे बाइनरी सिस्टम में। तो ये फर्स्ट प्रोग्रामर है। फिर उसके बाद शेट्जुइन कैलकुलेटर इंजन आता है। 1843 में शेट्जुइन इंजन बना। ये डिफरेंस इंजन के कॉन्सेप्ट पे बेस करता। 1890 में हरमन हॉलरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन बनाई जिसने टेबल्स बनाने का काम किया, अकाउंटिंग समराइजेशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। देन हमारी आती है कंप्यूटर्स की, ये कैलकुलेटिंग मशीन थी ना। 1943 में मेजर डेवलपमेंट हुई जब हार्वर्ड ए एकिन ने इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसे उसने नाम दिया हार्वर्ड मार्क वन। तो इसको हम ASCC भी कहते हैं, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। उसके बाद हमारे पास टर्न आती है Z1 कंप्यूटर की। Z1 कंप्यूटर जो था इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी इसके कुछ पार्ट्स इलेक्ट्रिकल थे और कुछ मैकेनिकल पार्ट्स थे। इसको डेवलप किया कॉनराड ज़ियूस ने। ये जर्मनी का एक प्रोफेसर था, उसने 1936 से
1938 में इसको डेवलप किया। और वो जो पंच कार्ड बने थे, ये जो मैंने जिक्र किया था यहाँ पर जैकवर्ड लू में पंच कार्ड्स का, ये पंच कार्ड्स बेसिकली Z1 कंप्यूटर में यूज़ हुए फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट, लेकिन ये पंच कार्ड पंच टेप की फॉर्म में यूज़ किए गए। फिर उसके बाद डिजिटल कंप्यूटिंग का टाइम आया, यानी मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रो मैकेनिकल एंड देन डिजिटल, यानी प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस करते थे। तो पहला कंप्यूटर इस सीरीज में था एटानास ऑफ बैरी कंप्यूटर या ABC। इसको प्रोफेसर एटानास ऑफ ने 1939 एंड 1942 के बिटवीन क्रिएट किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनीएक। एनीएक एक एब्रीवेशन है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसको 1946 में JP एकरेट एंड मॉकली ने डेवलप किया। नेक्स्ट आता है यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, इनको भी उसी ने बनाया जिसने एनीएक डेवलप किया। फिर आता है एडवेक, ये मेजर डेवलपमेंट थी कंप्यूटर में। एडवेक भी एब्रीवेशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ जिसे हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने 1952 में। तो आज के कंप्यूटर्स इसी पे बेस करते हैं। फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का मतलब ये था कि कंप्यूटर में हमारे पास कोई मेमोरी होगी जिसमें हम कोई ना कोई प्रोग्राम स्टोर करेंगे और कंप्यूटर जो है हमारे लिए उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस मेमोरी को हमने फ्यूचर में जाके रैम कहना शुरू कर दिया। इस रैम में अब हम डाटा भी प्लेस करते हैं और इसमें हम प्रोग्राम्स को भी प्लेस करते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं उसको रैम में लोड होना ज़रूरी है। इसको मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप लोग आल्ट कंट्रोल एंड डिलीट प्रेस करें, स्टार्ट टास्क मैनेजर करें और यहाँ पर आपको ये प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये आपको मेमोरी का वर्ड नज़र आ रहा है, ये रैम की स्पेस है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके लास्ट में हम जाके ना इसको वॉच आउट करते हैं, आपको वहाँ पर वर्ड नज़र आएगा। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन हो गया, ये देखें ये आपको विन वर्ड नज़र आ रहा है और ये मेमोरी में कुछ स्पेस गेट कर रहा। अब मैं जैसे ही इसको क्लोज़ करता हूँ ये विन वर्ड भी यहाँ से वैनिश हो गया। तो ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था जो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने दिया। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर जो था वो ऑसबॉर्न ने बनाया था, ऑसबॉर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन ने 1981 में। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी जो थी वो 1949 में बनी थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बनाए थे। तो ये हमारे पास कुछ हिस्ट्री थी कंप्यूटर की। अब हम डिस्कस करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर्स डेवलप हुए उनको हम 5 जनरेशन में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जनरेशन में हमने उनकी टेक्नोलॉजी की बेस पर डिवाइड किया, यानी फर्स्ट जनरेशन में एक टेक्नोलॉजी थी, सेकंड में कोई और टेक्नोलॉजी थी, थर्ड में कोई और टेक्नोलॉजी थी, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रही है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स एक तरह से ट्रांजिस्टर का काम करते थे। ट्रांजिस्टर का काम क्या, स्विच ऑन एंड ऑफ करना ना। आजकल तो हमारे कंप्यूटर्स में हमें इतने ट्रांजिस्टर नज़र नहीं आते, लेकिन पहले ट्रांजिस्टर क्योंकि नहीं एग्जिस्ट करते थे तो हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंट्रोल करने के लिए और डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे। आजकल हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, DVD रोम, CD रोम, मेमोरी कार्ड्स, तब मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे इनका साइज़ बहुत लार्ज था, ये एक रूम या एक से ज़्यादा रूम्स पे बेस करते थे। एक्सपेंसिव थे ऑपरेट क्योंकि इनमें बहुत एक्सटेंसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होते थे, बहुत ज़्यादा इनको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर थी, इनसे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती थी और हीट को रिड्यूस करने के लिए या इनकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी जिससे एडिशनली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंक्रीज़ करती थी।
अब आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी प्रोग्राम की या सॉफ्टवेयर की, तो मैंने कहा था कि जो भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उनको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स। अब ये प्रोग्राम डेवलप करता है प्रोग्रामर और किसी ना किसी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हार्डवेयर डिवाइसेस तो थी, लेकिन उनसे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हमें प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चाहिए थे, और उसके लिए हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। यानी जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, और ये मशीन लैंग्वेज जो है ये बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है, यानी वंस एंड जीरोस की फॉर्म में। तो पहली जो लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेज थी। अब इनपुट किस पे बेस करती थी? पंच कार्ड्स पे। और आउटपुट किस पे बेस करती थी? प्रिंटआउट्स पे। यानी इनपुट के लिए हमारे पास पंच कार्ड थे या पेपर टेप थी, और आउटपुट के लिए हमारे पास प्रिंटआउट थे। यानी इन पर कोई ऐसा सच सीआरटी या एलसीडी स्क्रीन्स नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की जो रेवोल्यूशन है वो बेसिकली आपके पास है ट्रांजिस्टर्स। तो 1947 में ट्रांजिस्टर डेवलप किए गए। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कैसे? एक तो ये हुआ कि ट्रांजिस्टर से कंप्यूटर ज़्यादा रिलायबल हो गए, और वैक्यूम ट्यूब्स ख़त्म हो गई, ट्रांजिस्टर उसकी जगह पर हमने यूज़ किए, तो कंप्यूटर की स्पेस जो थी वो डिक्रीज हो गई, यानी कम स्पेस रिक्वायर्ड थी कंप्यूटर को। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्विवेलेंट टू 40 वैक्यूम ट्यूब्स। यानी आप कह सकते हैं वन ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू 40 वैक्यूम ट्यूब्स। इसका मतलब कंसिडरेबली कंप्यूटर का साइज भी डिक्रीज हो गया। अगर पहले कंप्यूटर एक रूम में था तो आप कह सकते हैं कि अब हाफ या 30% ऑफ रूम में कंप्यूटर ऑक्यूपाई हो जाता था। तो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनका साइज भी स्मॉल था, फास्ट थे, चीपर थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम थी, एनर्जी एफिशिएंट थे एंड मोर रिलायबल थे ड्यू टू ट्रांजिस्टर। लेकिन फिर भी हीट जनरेट होती थी इनसे भी, स्टिल एयर कंडीशनिंग आपको रिक्वायर थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने मशीन लैंग्वेज की जगह एक मज़ीद आसान लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, जिसको हमने असम्बली लैंग्वेज का नाम दिया। असम्बली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो इंसान के लिए याद रखने आसान है, क्योंकि ये वंस एंड जीरोज़ में नहीं है, इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कह देते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में भी इनपुट के लिए पंच कार्ड्स थे, और आउटपुट जो थी वो प्रिंटआउट्स की फॉर्म में थी। लेकिन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट यूज़ हुआ, यानी इनमें कोई मेमोरी थी जिसमें हम डाटा भी स्टोर करते थे और इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करते थे, और मेमोरी से ही ये चीज़ें प्रोसेस होती थी और फिर हमें रिजल्ट्स मिलते थे। डाटा स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू हो गया। नेक्स्ट आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम सिंपल वर्ड में आईसी कहते हैं। तो आईसी जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है। ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन कर दिया सिलिकॉन चिप्स में, जिन्हें हमने सेमीकंडक्टर कह दिया। तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ा? एक तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर कंबाइन करके हमने एक आईसी बना लिया, जिससे एक तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई और एक कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ गई और कंप्यूटर का साइज़ रिड्यूस हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं ये ज़्यादा फास्ट हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट थे, इनका साइज़ भी स्मॉल था, इनकी एनर्जी कंजप्शन भी कम थी, और इसके बाद ये हीट भी कम जनरेट करते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में अब इनपुट के लिए कीबोर्ड आ गए। अब पंच कार्ड खत्म हो गए, इनपुट के लिए कीबोर्ड्स आ गए, आउटपुट के लिए मॉनिटर्स आ गए, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को वर्किंग परफॉर्म करवाने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें आ गया।
अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स भी जो हैं वो भी स्टोर प्रोग्राम या स्टोर्ड प्रोग्राम मेमोरी के कंसेप्ट पे चलते हैं, तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो फर्स्ट एंड सेकंड के कंपैरिजन में स्मॉल साइज़ के थे, लिहाजा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, बैंक्स में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको परचेज करना शुरू। नेक्स्ट हमारे पास आती फोर्थ जनरेशन जो हम स्टिल यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको आप माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स को कंबाइन करें एक सिंगल सिलिकॉन चिप में, तो वो क्या बन जाता है माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रेंड इस तरह से रहा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को कंबाइन करके ट्रांजिस्टर बना दिया, साइज रिड्यूस हो गया। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को कंबाइन करके हमने इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया, मज़ीद साइज रिड्यूस हो गया। और फोर्थ जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को कंबाइन करके एक सिलिकॉन चिप बना दी जिसे हमने माइक्रो प्रोसेसर कह दिया, या जिसे हम सिंपल वर्ड्स में प्रोसेसर भी कहते हैं या सीपीयू भी कहते हैं। तो ये कंप्यूटर साइज़ में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। यही वजह है कि आज हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं या स्मार्टफोन्स हैं, क्योंकि उनमें हम माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की वजह से ही इंटरनेट बनी। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारे पास कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस है, एलसीडी स्क्रीन्स हैं, आउटपुट के लिए प्रिंटर हैं हमारे पास, और यूज़ करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हैं, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, लाइनक्स है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स, पीडीएस, ये सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है, जो करंट एग्जिस्ट कर रही है और जिसमें फ्यूचर के लिहाज से डेवलपमेंट चल रही है, उसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन बेस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। एक होती है नेचुरल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन की है, जो अल्लाह ताला की तरफ से, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करें, वो ह्यूमन की तरह चल सकें, वो ह्यूमन की तरह देख सकें, लोगों को पहचान सकें, आपकी आवाज़ सुन सकें, आपकी आवाज़ में जो आप वर्ड्स बोलते हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। इसका आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आपके स्मार्टफोन्स में गूगल सर्च बार है, गूगल सर्च बार के साथ एक माइक का आइकन आता है, आप उस माइक के आइकन को प्रेस करें और साथ ही आप कहें मेक ए कॉल, तो गूगल असिस्टेंट उसको अंडरस्टैंड करेगा और साथ ही आपसे पूछेगा हु डू यू वांट टू मेक ए कॉल। यानी अब आपने गूगल को कोई कीज़ प्रेस करके नहीं बताया कि मैंने कॉल डायल करनी, आपने जस्ट बोला, गूगल ने सुना, और जैसे इंसान इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं उस तरह उसने इसको अंडरस्टैंड किया। तो इसको हम कहते हैं वॉइस रिकग्निशन की, आपकी आवाज़ को पहचान। आप लोग मोबाइल फोन्स में फेस लॉक यूज़ करते हैं, आप कैमरे के सामने अपना फेस प्लेस करते हैं, मोबाइल फ़ोन उसको रिकग्नाइज करता तो अनलॉक हो जाता है, रिकग्नाइज नहीं करता तो लॉक ही रहता। तो ये फेस रिकग्निशन इंसान का काम था, इंसान हम लोगों को उनके चेहरे से पहचानते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन्स ने लोगों के फेस को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, तो इसको आप कहते हैं फेस डिटेक्शन या बायोमेट्रिक डिटेक्शन कह दें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कंप्यूटर्स हैं इनमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट या सुपर कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ताकि ये इंसान की एबिलिटी से मीट करें। अगर आप फेसबुक पे आर्मी रोबोट्स के नाम से वीडियो सर्च करें तो आपको एक ऐसा रोबोट भी मिलेगा जो बिल्कुल आर्मी पर्सोनल्स की तरह एक्ट करता है, यानी वो डिफरेंट वेपन्स को चेंज करता है, वेपन्स को यूज़ करता है, फिर एजाइल मूवमेंट्स करता है जिस तरह के आर्मी पर्सोनल या कमांडोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइमलाइन, यानी एक ब्रीफ ओवरव्यू कि किस किस ईयर में क्या क्या एप्लीकेशंस जनरेट हुई। सबसे पहले 1943 है। 1943 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश साइंटिस्ट है एलन ट्यूरिंग,
उसने एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिज़ाइन किया था जिसने जर्मन कोड्स को ब्रेक किया था। ये सेकंड वर्ल्ड वार की बात है, क्योंकि कोड वर्ड में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते थे जर्मन्स, तो उन कोड वर्ड्स को समझना और ब्रेक करने के लिए कंप्यूटर डेवलप किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने, और ये 1970s तक सीक्रेट रखा गया। 1952 में डॉक्टर ग्रेस होपर, ये भी एक फीमेल प्रोग्रामर है, इसने एक पेपर पब्लिश किया कि हम सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर सकते हैं, यानी यहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। और डॉक्टर ग्रेस हूपर ने बताया कि सिंबॉलिक नोटेशन को हम यूज़ करके कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। ये डॉक्टर ग्रेस हूपर ने आप कंसेप्ट दिया कि हम मशीन लैंग्वेज की बजाय कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करें जिसमें हमें प्रोग्राम बनाना आसान हो, समझना आसान हो। 1953 IBM ने 650 मॉडल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाए। ये वाइडली यूज कंप्यूटर्स थे। इनिशियली 50 मशीन्स इन्होंने बनाई, लेकिन उसके बाद इतनी सक्सेसफुल हुई कि इन्होंने मोर देन 1000 कॉपीज डेवलप करके सेल की। उसके बाद 1953 में ही IBM ने IBM 700 सीरीज डेवलप की, और फिर मार्केट पर IBM का एक नाम डेवलप हो गया कंप्यूटर्स में। 1957 में IBM ने एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क बनाई, जैसे हम आजकल पासपोर्ट ड्राइव्स यूज़ करते हैं ना, उस टाइम पे IBM ने एक एक्सटर्नल ड्राइव बनाई थी। 1957 में ही एक लैंग्वेज जनरेट हुई जिसे हमने फोरट्रान का नाम दिया, फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन बेसिकली जो है ये साइंटिफिक और बिजनेस पर्पस के लिए लैंग्वेज थी। 1959 में IBM ने स्मॉलर डिस्क इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद IBM ने दो कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस करवाए, 1401 एंड 1602। 1401 बिजनेस के लिए था, और 1602 का सेकंड नेम जो है वो कैडेट उसने रखा था। 1960 में एक लैंग्वेज जनरेट हुई कोबोल। कोबोल का मीनिंग है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? डॉक्टर ग्रेस हूपर ने। तो क्योंकि हमारा टास्क ये था कि हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है प्रोग्राम्स लिखने के लिए, तो कोबोल में इंग्लिश लाइक वर्ड्स हमने यूज़ किए, मशीन लैंग्वेज, देन सिंबॉलिक एंड देन इंग्लिश वर्ड्स। तो कोबोल लैंग्वेज इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिहाज से। 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डेक ने मिनी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया, PDP-8। 1965 में ही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी। बेसिक का आप लिखते हैं, बल्कि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का मैं लिख देता हूँ बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये बेसिक जो थी, ये एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया गया। 1968 में IBM ने फ्लॉपी डिस्क जनरेट की। फ्लॉपी डिस्क जो थी ना, फ्लॉपी डिस्क, फ्लेक्सिबल डिस्क भी इसको कहते थे, यानी ये प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती थी और इसमें राउंड अबाउट इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी, 1.44 मेगाबाइट। इसका एक और वर्जन भी था, उसमें 1.22 मेगाबाइट स्टोरेज कैपेसिटी थी। 1969 में आर्पानेट बनी। आर्पा का मीनिंग क्या? आर्पा का बेसिकली वर्ड निकला डार्पा से। ये इंग्लैंड, ये सॉरी अमेरिका का एक इदारा है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसने अपने ट्रूप्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आर्पनेट बनाई, और यही आर्पनेट बेसिकली इंटरनेट का
बेसिक वर्जन है, यानी आज का जो मॉडर्न इंटरनेट है ये आर्पानेट पे बेस करता। नेक्स्ट हमारे पास 1971 है, इंटेल कॉरपोरेशन ने 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया इंटेल 4004 के नाम से। 1976 में स्टीव जॉब्स ने फर्स्ट एप्पल वन कंप्यूटर बनाया, यानी जो हमारे पास आज हम कहते हैं ना एप्पल के कंप्यूटर्स, एप्पल के मोबाइल फोन्स, एप्पल का पहला कंप्यूटर 1976 में स्टीव जॉब ने बनाया, और एप्पल वन के फौरन बाद एप्पल टू भी बना दिया। एप्पल कंप्यूटर्स बेसिकली उसने किसके लिए बनाए थे, स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे, इसलिए इनको स्कूल्स एंड कॉलेजेस में यूज़ किया गया। 1979 में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिसे विजी कैल्क कहते हैं, ये स्प्रेडशीट यानी जिस जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये तो अब हम यूज़ करते हैं, तब ये नहीं था, तब विजी कैल्क के नाम से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था और इसको एप्पल टू कंप्यूटर्स पे यूज़ किया जाता था। इसी दौर में एक और सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया वर्ड स्टार, इसका जो एडवांस वर्जन है वो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लेकिन उस टाइम पे जो पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर था जो हम लेटर एप्लीकेशन लिखने के लिए यूज़ करते थे वो वर्ड स्टार था। फिर 1980s लोटस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लोटस 1-2-3 के नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसमें स्प्रेडशीट थी, उसमें ग्राफिक्स थी, उसमें डेटाबेस पैकेज था, और इसको IBM कंप्यूटर्स के साथ शिप करना स्टार्ट किया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ईयर आता है 1981। 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए, लोगों ने इस सीज़न में पर्सनल कंप्यूटर्स परचेज करने शुरू किए, उनको अपने घरों में और बिजनेस में और मार्केट में यूज़ करना स्टार्ट किया। 1982 में स्मार्ट मॉडम डेवलप की, मॉडम का वर्ड जो है ना इसको आप लिख लें, इसका मीनिंग है मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, ये बेसिकली इंटरनेट के लिए यूज़ होती, तो इसकी स्पीड बहुत कम थी, 300 बिट्स पर सेकंड। यहाँ पर एक कन्वेंशन आप बना लें, जहाँ पर स्मॉल बी लिखा है इसको हम बिट्स कहते हैं, और जहाँ पर कैपिटल बी लिखा है इसको हम कंप्यूटर्स में बाइट कहते हैं, बाइट कह देते हैं। तो 300 बिट्स पर सेकंड इसकी स्पीड थी। 1982 में एक कंपनी डेवलप हुई कॉम्पैक, जिसने IBM की तर्ज पे ही कंप्यूटर्स बनाने शुरू किए। 1983 में एलन शुगर्ट ने विंचेस्टर हार्ड ड्राइव बनाई, यानी हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ होती है, फर्स्ट टाइम वो 1983 में बनी। 1983 में ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल लीजा कंप्यूटर बनाया जो होम यूज़र्स के लिए था, जो एप्पल वन और एप्पल टू थे वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए थे, लेकिन होम यूज़र्स के लिए एप्पल लीजा कंप्यूटर बनाया गया। इसी दौर में माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसे उसने MS-DOS कहा, MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 1983 में इसने लॉन्च किया, और MS-DOS जो था ये कमांड लाइन इंटरफेस पे बेस करता था। फिर 1984 है, IBM ने 80286 माइक्रो प्रोसेसर इंटरनल लॉन्च किया, उसको यूज करते हुए IBM ने PC-80 के नाम से पर्सनल कंप्यूटर बनाया, तो इन प्रोसेसर को हम 286 प्रोसेसर भी कहते हैं, लेकिन 80286 भी कहते हैं। इसी दौर में HP कंपनी ने लेज़र जेट प्रिंटर डेवलप किया पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। 1984 में ही मैकिंटोश ने, एप्पल ने मैकिंटोश कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस करवाए, मैक कंप्यूटर्स। अब मैक जो थे ये ज़्यादा इजी टू लर्न थे और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस
इनमें थे, तो इनको हम एप्पल मैकिंटॉश कंप्यूटर कहते थे। ये जो हम टर्म सुनते हैं ना मैक ओएस, मैक का मतलब मैकिंटॉश ही है। 1987 में इंटेल ने 80386 माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिसको हम 386 भी कहते थे। अब ये कंप्यूटर्स फास्ट थे काफ़ी, और इनमें हम गेमिंग भी कर सकते थे, लेकिन नो डाउट इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव गेम्स नहीं थी, इनमें सिंपल गेम्स ही यूज़ होती थी, लेकिन बहरहाल ये कंप्यूटर्स फास्ट थे। 1981 में वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट हुई, जो हमारी मॉडर्न इंटरनेट की बेस है। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट विंडो रिलीज की, विंडोज 3.1। तो ये फर्स्ट वर्जन थी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज 3.1 में आपके पास ट्रू टाइप फॉन्ट्स थे, ग्राफिक्स थी, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज थी, इसमें हम लोटस ऑफिस यूज़ करते थे। उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि ये जीयूआई पे बेस करती थी, ये जीयूआई पे बेस करती थी, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। 1993 में इंटेल ने पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर बनाया। अक्सर हम सीरीज सुनते हैं ना, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, तो पेंटियम सीरीज का पहला प्रोसेसर 1993 में बना, और ये 486 के बाद बना। अब ये पेंटियम सीरीज प्रीवियस सीरीज से ज़्यादा फास्ट थी। 1993 में ही एक वेब ब्राउज़र भी बना, उसका नाम था मोज़ेक। बाद में जाके इस ब्राउज़र को डेवलप करने वालों ने एक कंपनी डेवलप की, जिसे नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का नाम दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1994, नेटस्केप कंपनी डेवलप हुई, उसने नेटस्केप नेविगेटर 1.0 इंट्रोड्यूस करवाया, और नेटस्केप नेविगेटर भी एक वेब ब्राउज़र था जिसमें हम वेबसाइट्स ओपन कर सकते थे। 1995 माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के डिज़ाइन में मेजर चेंज की और एक रेवोल्यूशन जनरेट की, जिसे उसने विंडोज़ 95 का नाम दिया। ये भी एक जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज़ 95 फार बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम था 3.1 से, इसमें ज़्यादा कैपेबिलिटीज थी, और इसमें इसको 300 लोगों की टीम ने डेवलप किया था, और मोर देन 50,000 यूजर्स ने इसे टेस्ट किया था बिफोर फाइनल रिलीज। 1995 में एक नई लैंग्वेज जनरेट हुई, और इस लैंग्वेज को हम कहते हैं जावा। तो जावा जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो जावा की वजह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम की। 1996 में यूएस रोबोटिक्स ने पाम पायलट डेवलप किया। पाम पायलट बेसिकली एक हैंड हेल्ड ऑर्गेनाइजर था, जिसे आप सिंपली पीडीए भी कह सकते हैं। इसी दौर में वेब टीवी का कॉन्सेप्ट आया, दैट यू यूज़ इंटरनेट एंड टेलीविजन एंड टू वॉच टेलीविजन चैनल्स ऑन द इंटरनेट। 1997 में इंटेल ने पेंटियम 2 प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया, पेंटियम 2, और पेंटियम 2 प्रोसेसर में 7.5 मिलियन ट्रांजिस्टर थे। इस प्रोसेसर में एमएमएक्स टेक्नोलॉजी थी, एमएमएक्स आपने सर्च करना इंटरनेट से गया, तो एमएमएक्स टेक्नोलॉजी की वजह से ये वीडियोस को प्रोसेस कर सकता था, ऑडियो को प्रोसेस कर सकता था, ग्राफिक्स को प्रोसेस कर सकता था। हम इसमें मूवी एडिटिंग और गेमिंग ज़्यादा बेटर वे में कर सकते थे। 1997 में ही आईबीएम ने सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया, और उसका नाम था डीप ब्लू। और इस डीप ब्लू कंप्यूटर ने चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था चेस गेम में, यानी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ कैपेबिलिटीज थी। 1997 में फर्स्ट डीवीडी बनी, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो डिजिटल वीडियो डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है, क्योंकि इसको रीड करने के लिए और राइट करने के लिए लाइट का यूज़ होता है। तो डीवीडी में हम पहले ऑडियो एंड वीडियो स्टोर करते थे, लेकिन अब हम इसमें डाटा भी स्टोर करते हैं। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट 90 विंडोज़ 95 को अपग्रेड किया, और विंडोज़ 98
रिलीज की। विंडोज 98 की परफॉर्मेंस बहुत बेटर थी, उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी थी, इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से सॉफ्टवेयर था, और फर्स्ट 6 मंथ में विंडोज 98 की बहुत सारी कॉपीज सेल हुई। काफ़ी अर्सा तक ये विंडोज चलती रही। 1998 में एप्पल ने आई मैक इंट्रोड्यूस करवाया। आई मैक की आप अगर लेटेस्ट वर्जन देखें तो वो एक ऑल इन वन कंप्यूटर है, जिसके साथ आपको कीबोर्ड, माउस और जस्ट एक एलसीडी स्क्रीन मिलती है, और उसी स्क्रीन के अंदर कंप्यूटर्स के सारे कंपोनेंट्स बिल्ट इन है। तो ये काफ़ी बेटर डिज़ाइन है, लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। इवन के जो म्यूजिशियंस हैं वो आई मैक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। 1999 में इंटेल ने पेंटियम 3 प्रोसेसर लॉन्च किया। इसमें मल्टीमीडिया की फैसिलिटीज़ पहले से ज़्यादा थी, क्योंकि इंटरनेट भी अब मार्केट में इन हो रही थी और अब ट्रेंड चल गया था वीडियो एडिटिंग का, ऑडियो एडिटिंग का, तो इसलिए इसमें ग्राफिक या मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा थी। 1999 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 2000 इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ थे, और इसमें बहुत सारे और टूल्स थे। इमेज एडिटिंग का टूल था, फाइल्स को कन्वर्ट करने की फैसिलिटी थी। 2000 में इंटर ने पेंटियम 4 प्रोसेसर लॉन्च किया। पेंटियम 4 में 42 मिलियन ट्रांजिस्टर्स थे। 2000 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस एक्सपी लॉन्च किया। ऑफिस एक्सपी में वॉइस रिकग्निशन का फीचर था, यानी अगर आप ऑन कर दें और माइक्रोफोन के साथ बोलते जाएं तो आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करके वो टाइप आउट करता जाता था। और ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट सूट लॉन्च किया था, यानी इसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सारे सॉफ्टवेयर एक पैकेज में इंक्लूडेड थे। 2001 में एप्पल ने मैक OS X रिलीज़ किया, जो मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम की लेटेस्ट वर्जन है, वो मैक OS X है। तो एप्पल ने क्लेम किया कि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़ है। 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ XP रिलीज़ कर दी। अब XP का मतलब क्या? XP का मतलब है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ XP की दो वर्जन रिलीज़ की थी, विंडोज़ XP प्रोफेशनल बिजनेस यूजर्स के लिए और विंडोज़ XP होम होम यूजर्स के लिए। 2003 में AMD ने फर्स्ट 64-बिट प्रोसेसर लॉन्च किया, जिसका नाम था AMD एथलॉन। 2004 में एक वेब ब्राउज़र डेवलप हुआ जिसे मोजिला फायरफॉक्स 1.0 कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सबसे पॉपुलर ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर था, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स ने उसको रिप्लेस किया। 2004 में ही फेसबुक सोशल नेटवर्किंग लॉन्च हुई, जो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 2005 में यूट्यूब इंट्रोड्यूस हुई वीडियो शेयरिंग सर्विस के तौर पे, आजकल हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्वायर किया। एंड्रॉयड जो आजकल हम मोबाइल फोन्स में मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 2005 में गूगल ने एक्वायर किया था, और ये लिनक्स पे बेस करता है और जावा पे बेस करता है। 2006 में एप्पल ने मैकबुक प्रो इंट्रोड्यूस की। मैकबुक प्रो क्या था? एक मोबाइल कंप्यूटर था, एक लैपटॉप था, जिसमें डुअल कोर प्रोसेसर था और इसमें इंटेल के प्रोसेसर यूज़ किए। इसी तरह इसी ईयर में एप्पल ने आई मैक में भी इंटेल वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया। 2006 में निंटेंडो ने W2 गेम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई, जो बहुत हिट रही। 2007 में IBM ने बहुत सारे कंप्यूटर फंक्शंस स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि ईमेल और फिर वर्ड प्रोसेसिंग। 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 लॉन्च की। विंडोज 7 के डिफरेंट वर्जन थे, विंडोज 7 अल्टीमेट, विंडोज 7 प्रोफेशनल, होम प्रोफेशनल। अब विंडोज 7 में नए फंक्शंस थे पिन एप्लीकेशंस, जैसे ये मैं स्टार्ट ओपन करता हूँ ना, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है, पिन टू टास्क बार, पिन टू स्टार्ट मेन्यू।
ये विंडोज 7 का फंक्शन था। उसके बाद विंडोज 7 में हैंड राइटिंग रिकग्निशन थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैथ इनपुट पैनल के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ तो ये देखें उसको एज ए इंटीग्रेशन साइन रिकग्नाइज करता है। मैथमेटिकल सिंबल्स जैसे आप राइट अप करते हैं उनको फाइंड आउट करता रहता है। ठीक है जी, आप इसको किस तरह यूज करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करता है। 2010 में एप्पल ने आईपैड इंट्रोड्यूस करवाया। आईपैड हम किस लिए यूज़फुल हुआ? मीडिया प्लेयर के तौर पे, इसमें हम वीडियोस और ऑडियोस प्ले कर सकते थे। 2011 में गूगल ने एक स्पेशल लैपटॉप इंट्रोड्यूस करवाया जिसे उसने क्रोम बुक कहा। अब इसे क्रोम बुक क्यों कहा? क्योंकि इसमें कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, इसमें एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे गूगल क्रोम ओएस कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्रोम बुक रख दिया। 2015 में एप्पल ने एप्पल वॉच इंट्रोड्यूस करवाई और माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 रिलीज की, जिसमें आपको कॉर्टाना का फीचर मिला जो आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करता है, आपके लिए चीज़ें फाइंड आउट करता है।